नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के फिर से अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट्स नहीं है, कुछ ऐसी जानकारी भी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा मार्केट के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जियो फाइनेंस के ऊपर। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, तो आप सभी जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बेसिकली एक फाइनेंस कंपनी है और एक NBFC भी है। तो फाइनेंस कंपनी मतलब एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और इस कंपनी जब से अपडेट दिया कि ब्लैक रॉक के साथ 50-50 पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो रिलायंस 50% और ब्लैक रॉक 50%, तो जब भी इस तरीके से डील फाइनल हुआ तब से लेकर इस कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को मिले हैं। तो लगातार वो भागते चले जा रहा है। किस तरीके से भागा वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी को तो पहले से ही जर्नी हो ही चुका है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कंपनी देखेंगे तो स्टार्टिंग किस तरीके से हुआ था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ था और उसके बाद करेक्शन हुआ, फिर से रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए इस तरीके से बाउंस बैक किया। और जब मेरा पुराना एंट्री था काफी ध्यान पैटर्न्स का और एक रेंज का, तो जब भी लोअर रेंज में टच किया था तब भी एंट्री बना था और यहाँ तक टारगेट बना। और जब काफी ध्यान पैटर्न्स बना था इस रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री बना और टारगेट यहाँ तक हुआ था। और फाइनली अभी मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है, मेरे एक ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट है, मगर फेस्ट एज ए स्विंग बेसिस में कोई भी एंट्री नहीं है। देखिए, मैं दो तरीके से काम करता हूँ। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि स्विंग बेसिस में काम करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट है जो मेरा बहुत एकदम नीचे लेवल में है, कुछ इस तरीके से लेवल में इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली इस तरीके से लेवल में इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद मैंने ट्रेड दो बार लिया इस कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग बेसिस में, तो दो बार ही टारगेट अचीव हुआ। तो हमेशा मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमेशा सारी चीज़ों को सीख कर काम करिए। तो मैंने किस बेसिस में ट्रेड लिया था वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी कुछ रेंज बनता है, किस इस तरीके से जब रेंज बनता है, तो रेंज में हमेशा याद रखना, अगर कंपनी बेस्ट है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो जब भी कोई भी रेजिस्टेंस बनने के बाद दूसरा कोई सपोर्ट बने, उसके बाद फिर से एक बार रेजिस्टेंस बने, मतलब रेजिस्टेंस वन एंड रेजिस्टेंस टू, तो यहाँ पे क्या बना था, सपोर्ट वन और दूसरे बार सपोर्ट टू के इंतजार करना। जब सपोर्ट टू बनेगा तब उस जगह पे एंट्री बनेगा ग्रीन कैंडल के ऊपर और टारगेट बनता है हमेशा इस रेजिस्टेंस थ्री तक। तो अगर फिर से नीचे आते, फिर से सपोर्ट थ्री बनता, तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लेता। अगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे फिर से कफ विद हैंड पैटर्न्स बना जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न्स है, जिसको कम्पीट करने के बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद एंट्री लिया, क्योंकि ब्रेकआउट एक बहुत लंबा कैंडल के माध्यम से था। उसके बाद देखिए इजिली टारगेट अचीव हुआ, और कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, अराउंड 28% का था, 22% के आसपास था। तो फिलहाल के लिए मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करेगा उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, मगर हुआ कुछ ऐसा, एक रेंज एक चैनल के माध्यम से कंपनी आगे बढ़ रहा है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को फेस करके वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। बाकी आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो सिचुएशन बना है वो सिचुएशन इसी तरीके से आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहेंगे। बाकी मार्केट बुलरन में है और आप सभी जानते हैं निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास फिर से जा चुके हैं, और जो बैंक निफ्टी है वो फिर से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं, फाइनली वो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं। तो सोचिए, बैंकिंग सेक्टर भाग रहा है तो इसका मतलब फाइनेंस सेक्टर का भी ग्रोथ आने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी अभी बन चुके हैं। देखिए, इस कंपनी 1000 के ऊपर प्राइस को चल रहा है। देखिए, अभी जब आप देखेंगे वीडियो तब शायद 1000 रुपये ना रहे, क्योंकि मैं करंट रनिंग सिचुएशन में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो देखिए 1000 रुपीज के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है, तो कौन सोचा था जो कंपनी 70 के नीचे चल रहा था कोविड के टाइम में, तो वो 4 साल अभी तक नहीं हुआ, 3.5 साल हुआ, 3.5 साल में कंपनी 70 रुपीज से 1000 तक पहुँचेगा, कौन सोचा था। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी अगर अच्छा है और कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है और कंपनी का बिजनेस सनराइज बिजनेस है, सनराइज और सनसेट का मतलब है जो बिजनेस ग्रोइंग मोड में है उसको सनराइज बिजनेस कहा जाता है, और जो बिजनेस पहले ग्रो कर चुके हैं अभी उसका डाउनफॉल है तो उसको सनसेट बिजनेस कहा जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से बिजनेस के ऊपर ग्रोथ था, क्योंकि टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसे काम किया जिसके चलते टाटा मोटर्स आज अलग लेवल का परफॉर्मेंस कर रहा है। क्योंकि पहले टाटा मोटर्स का अगर 10 साल पीछे चले जाएंगे तो टाटा मोटर्स के ऊपर उतना खास ग्रोथ नहीं था। क्यों नहीं था, उसके पीछे रीज़न भी था,
क्योंकि टाटा मोटर्स का उस टाइम जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो उतना ज्यादा पैसेंजर व्हीकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, और उतना ज्यादा सेफ्टी और उतना ज्यादा लग्जरीज कैटेगरीज के पैसेंजर व्हीकल आपको देखने को नहीं मिला था। अभी फिलहाल के लिए इसका पैसेंजर व्हीकल बहुत सारे हो चुके हैं और सबसे ज्यादा फर्स्ट ईवीज के ऊपर इसी कंपनी काम कर रहे हैं। तो ईवी इसके ऊपर इस कंपनी का एक दबदबा है, तो जिसके चलते हुए कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। बाकी देखिए कंपनी के जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से अभी भी कम है। मतलब मुझे लगता है तो जर्नी इतना होने के बाद भी मुझे लग रहा है अभी तो जर्नी शुरुआत हुआ है, क्योंकि पी रेशियो के अकॉर्डिंग बात करो तो कंपनी के वैल्यूएशन बहुत सस्ते में है। और एक चीज में और भी नोटिस आपको करा दूं कि कंपनी के जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कितना है। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू का जो एवरेज है वो 2.6 है, मगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 6 है। मतलब कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू हाई हो चुके हैं और पी रेशियो देखा जाए तो हाई हो चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी के जो पी रेशियो है उसके बारे में बात करो तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था कितना, 105 के आसपास, और आज कहाँ पे है, 20 के आसपास है, 16 के आसपास। मतलब खुद के पी रेशियो से भी कम और इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम, तो कंपनी के आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली देखें तो कंपनी के सबसे बड़ी बात है कंपनी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश करेंगे, और साथ ही साथ कुछ वीकनेस पॉइंट भी है, जैसे कंपनी का 6 टाइम्स जो बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो डिलीवरी का सेल्स का ग्रोथ है वो 3.48% का आसपास डाउन साइड में ग्रोथ देखने को मिला, और कंपनी के जो लो रिटर्न क्वालिटी है वो 3.84% के आसपास है। ओवरऑल बात करें कंपनी का जो सिचुएशन बना कुछ इस लेवल में सिचुएशन देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है वो बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले सालों में कंपनी का सेल्स था करीबन 3,45,000 करोड़ के आसपास, इस बार बढ़ के हो चुके 4,23,000 करोड़ के आसपास। मतलब एक बेस्ट तरीके से सेल्स ग्रोथ दिखा, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, और नेट प्रॉफिट देख सकते पिछले साल में सिर्फ 2,690 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था, जो इस बार सारे डेटा को पीछे छोड़कर कंपनी के न्यू हाई बना के दिखाएंगे, वो भी 19,774 करोड़ के आसपास बताए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से रिजल्ट आने से पहले ही शेयर में एक मैसिव मोमेंटम जर्नी हो चुके हैं। तो देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो कंपनी देखिए लंबा सा एक जर्नी, मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे है, इस लेवल में मेरा एंट्री लेवल है करीबन 610 के आसपास एंट्री लेवल है, और कंपनी देखिए धीरे धीरे कितना टाइम लगाकर कंपनी आगे जा रहा है। तो आप कहेंगे सर इतना टाइम तक तो होल्ड कर रहे हैं आप, देखिए मेरा एक्चुअली जो होल्डिंग है इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग जो है वो बहुत नीचे है, अराउंड 100 से 150 रुपीज़ के आसपास, तो इस तरीके से लेवल में है एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 150 के थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं। और जो ट्रेडिंग पर्पस में मैंने ट्रेड लिया वो कुछ इस लेवल में लिया 600 के आसपास, और जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 1,140 रुपीज़ के आसपास। तो इस टारगेट मैंने क्यों लिया, क्योंकि प्रीवियस डेटा को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था, जो पैटर्न कहा जाता है शोल्डर कम मतलब यहाँ पे पहले क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बना, तब मैंने एंट्री लिया। जो टारगेट रखा मैंने, जो टारगेट रखा मतलब जो टारगेट यहाँ पे निकल का है, जो यहाँ पे कप का साइज है, हेड का साइज है, उसी साइज को मार्किंग किया, तो मैंने टारगेट यहाँ पे मुझे मिला 89% के आसपास। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस टारगेट अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साल में 89% रिटर्न कोई कम नहीं है, बहुत शानदार लिखते हैं। तो आपके क्या राय है टाटा मोटर्स के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर चुके हैं। तो देखिए अभी इतने दिनों से जो प्राइवेट बैंक था, जितने इतने सारे प्राइवेट बैंक हैं, चाहे वो ICICI बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंक को देख लेना उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था जिस तरीके से निफ्टी भाग रहे थे। तो फाइनली बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, उस बेसिस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया। तो लगातार एक जर्नी होने के बाद कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, और मैंने इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था। कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था, एक पहले कप बना उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके थे, तो मैं इंतजार कर रहा था कब रिटेस्ट करे, तो यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया, और इजिली वो टारगेट को अचीव किया, और टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी के ऊपर और भी एक पैटर्न यहाँ पे बनने जा रहा है। तो देखिए पैटर्न तो बना मगर पैटर्न का फाइनली कोई भी एंट्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, तो मुझे चाहिए था एक हैंडल, तो हैंडल बना नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लंबा जर्नी ऐसे होता हो देखने को मिले।
मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से ऊपर जाएगा, वो एक बार ईटर्स जरूर करेगा, और अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो जरूर यहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, 10th of February कंपनी आपको रिजल्ट देने वाला है, सॉरी माफी चाहता हूँ, 10th of May कंपनी आपको रिजल्ट देने वाला है। तो जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कंपनी किस तरह ग्रोथ करने वाला है। तो उससे पहले एक मैं अंदाजा आपको देता हूँ कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट करने वाला है, क्योंकि पिछले सालों के कंपेयर करूँ पिछले सालों से तो कंपनी का 3,50,000 करोड़ का सेल्स था, इस बार वो सेल्स बढ़ के 4,19,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला वो 57,000 से 66,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, मतलब बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट आने का चांसेस है। अब इसी कारण के वजह से मुझे लगता है पहले से ही जर्नी होना स्टार्ट हो चुकी है, तो कोई भी स्टॉक में पहले से ही जर्नी होना स्टार्ट हो चुका है इसका मतलब अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। इस बातों में आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और देखिए ये वीडियो जितने सारे मैं आपके साथ शेयर किया हूँ मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा मैं एडुकेशन पर्पज में वीडियो बनाता हूँ, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेम बोरिस लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है 1400 करोड़ के आसपास। कंपनी के ऊपर सिर्फ अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको एक्स्ट्रा बोनस देने वाले हैं, 1:4 का कंपनी फिर से आपको बोनस देने वाले हैं। तो बोनस का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एटलीस्ट देखा है तो कंपनी 3-3 बार बोनस दे चुके हैं, 2016 में, 2000 सॉरी 2014 में, 2016 में, 2018 में, अभी 2024 में भी फिर से मई मंथ में कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इंतजार करिए, मई मंथ का इसका रिजल्ट भी आएगा तब इसका बोनस भी आने का चांसेस है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट, तो प्लीज़ सबसे पहले आप वेरीफाई करिए सारी चीज़ को, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।